हाय फ्रेंड, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल पेंडा। और आज की ये वीडियो होने वाली है काफ़ी धमाकेदार, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। जी हाँ, अगर आप भी हैं पेटीएम यूजर तो आपके लिए है एक अच्छी खबर, क्योंकि पेटीएम जो है अब वो लोन देने वाला है। जी हाँ, वो लोन देने वाला है अपने कस्टमर को। तकरीबन 60,000 रुपये तक का लोन आप पेटीएम से ले सकते हो। और ये जो नया फीचर है, यह है पेटीएम का पोस्टपेड वॉलेट, जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। तो फटाफट घुसते हैं वीडियो के अंदर और देखते हैं कि और क्या है आप सबके लिए इस वीडियो में। तो कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए हैं तो रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन दबाओ ना यार। तो आओ फिर देखते हैं कि और क्या है आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, लाइक बटन दबा के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएँ, उसके बाद इस घंटे को दबाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें शेयर बटन पर क्लिक करके। तो दोस्तों, इसको लोन ना कह के एक तरह से क्रेडिट कहा जा सकता है, जिसमें आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप अमाउंट अगर आपके वॉलेट में नहीं है फिर भी आप सर्विस या प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है टर्म एंड कंडीशन। कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको फॉलो करने होंगे और उसके बाद आप भी पेटीएम में पोस्टपेड वॉलेट में आप लोन ले सकते हो 60,000 रुपये तक का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा क्या है टर्म एंड कंडीशन, फिर आपको एक्टिवेट करके दिखाऊँगे कैसे आप पोस्टपेड वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हो, कैसे लोन ले सकते हो और कैसे उसका यूज कर सकते हो। ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपको कितने रुपए तक की लिमिट दी जाएगी। तो दोस्तों, इसमें जो आपको लिमिट मिलने वाली है वो 500 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक की मिलने वाली है। दोस्तों, दूसरा सवाल ये है कि क्या इसके पैसे को आप कहीं भी एक्सपेंस कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके पैसे का आप यूज कर सकते हो बिल देने के लिए, अपना फोन रिचार्ज करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए पेटीएम मॉल या पेटीएम वॉलेट पे, और साथ ही साथ रेलवे टिकट या टिकट बुकिंग के लिए आप कर सकते हो। दोस्तों, तीसरा सवाल यह है कि क्या इसके पैसे को बैंक अकाउंट या कहीं और ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके पैसे को आप बैंक अकाउंट या कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके पेटीएम पोस्टपेड वॉलेट में ही आपको दिखाई देगा और वहीं पर रहेगा और वहाँ से आप इसका यूज कर सकते हो। और दोस्तों, चौथा सवाल यह है कि क्या इस पैसे पर कोई चार्ज लगाया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपको अमाउंट मिलेगा उस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज आपसे वसूल नहीं किया जाएगा, बशर्ते जो ड्यू डेट रहेगा उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हो तो वहाँ पे आपसे कुछ चार्ज वसूला जाएगा। और दोस्तों, पांचवा सवाल ये है कि क्या जब इस पैसे से आप कुछ परचेज करोगे जो उस पर ऑफ़र है या कैशबैक ऑफ़र है तो वो आपको मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इससे जब भी आप कोई ऐसा सामान परचेज करोगे या कोई ऐसी सर्विस परचेज करोगे इस पर कोई ऑफ़र है या कैशबैक ऑफ़र है तो वो आपको मिलेगी और सीधे आपके पेटीएम वॉलेट में वो ऑफ़र या वो कैशबैक आपको चला जाएगा। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको इस अमाउंट का पेमेंट कब करना होगा। तो दोस्तों, मान लीजिए आज 2 तारीख है और आपने इसका यूज़ किया, कोई सामान परचेज किया, ठीक है। अगले महीने की 1 तारीख को आपको मेल के थ्रू स्टेटमेंट दिया जाएगा और 7 दिनों के भीतर आपको इसका पेमेंट कर देना होगा। और इसके बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपसे लेट चार्ज वसूला जाएगा और लेट चार्ज की लिस्ट आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आप रेगुलर पेटीएम यूज़ करते हो तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाओ, पेटीएम को अपडेट कर लो और उसके बाद आपको अपने पेटीएम अकाउंट को, उसके बाद आपको अपने पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। और ये वाला ऑप्शन आपको होम पेज पे भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होगा कि 3 डॉट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल में जाना होगा। और यहाँ पे नीचे में आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो पेटीएम पोस्टपेड करके एक नया ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको ओपन करना होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं गेट अप टू 60,000 स्पेंड लिमिट, सेंड नाउ एंड पे नेक्स्ट मंथ, ठीक है, 0 इंटरेस्ट, 0 फी, 0 चार्जेस, फास्ट पेमेंट एंड इंस्टेंट रिफंड। तो इस तरह कुछ ऑप्शन है। तो इसके बाद आपको करना क्या होगा, एक्टिवेट माई पेटीएम पोस्टपेड पे क्लिक करना होगा। और जैसे इस पर आप क्लिक करते हो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, लेट फी अगर करोगे तो कुछ चार्ज लगेंगे, पेमेंट रिमाइंडर आएगा, डेबिट योर वॉलेट से या बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, कैशबैक ब्लॉक कर देगा, इस तरह के कुछ टर्म एंड कंडीशन है। और यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हैं 7 दिन के लिए अंदर, 7 दिन के अंदर में पेमेंट करने के लिए कह रहा है। और यहाँ पे आप चाहो नीचे में तो फुल टर्म एंड कंडीशन है वो भी पढ़ सकते हो, इस पर हम क्लिक करते हैं। और जैसे इस पर आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाता है, पर्पज, कैश विड्रॉ और लेट फी चार्ज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसको बंद कर देंगे हम और फिर से आपको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट शॉपिंग नाउ, और यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे 750 रुपये की लिमिट यहाँ पे मिल गई है। तो 500 से 60,000 रुपये तक की लिमिट आपको यहाँ पे मिलने वाली है और आप यहाँ से फिर शॉपिंग कर सकते हो।
दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट का पेमेंट करने वाला हूँ, और जैसे ही पेमेंट के लिए क्लिक करता हूँ, नीचे में एक नया ऑप्शन निकल के आ रहा है पेटीएम पोस्टपेड। और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है 750 रुपये, और यहाँ से मैं पे कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप पेटीएम पोस्टपेड वॉलेट का यूज कर सकते हो।